रतलाम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पेश है रतलाम से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत रतलाम जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत बालिका के जन्म को जश्न के रूप में मनाने के साथ ही उसे शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशासन और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रतलाम जिले के रिंगनिया गांव में इस अभियान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्कूल छोड़ चुकी दो बेटियों को स्कूल में प्रवेश करा दिलाया और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया। रतलाम की महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सुषमा भदौरिया बताती हैं कि भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में रतलाम जिले का चयन किया गया है। यह योजना तीन विभागों के आपसी सामंजस्य द्वारा संचालित की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग जहां कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं शिक्षा विभाग स्कूल कॉलेजों में बालिकाओं के उन्नयन और सामाजिक जागरूकता के लिए कैंप आयोजित कर रहा है। जिले में बेटियों के उन्नयन के लिए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्थानीय रहवासी अब बेटियों को पीछे रखने के बजाय उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, इसने बीच में एक साल पहले बीच में छोड़ दिया, स्कूल आती थी नहीं आती थी, फिर इसकी बहन की डिलीवरी हो गई तो उस बच्ची को संभालने में लग गई, दोबारा इसकी बहन फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर वो पहली बच्ची छोटी थी तो ये उसको संभाल के मेरे वहाँ बैठी रहती थी आंगनबाड़ी में। तो इसकी मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा तुम इसको क्यों लाइफ खराब कर रहे हो, इसको तो कम से कम स्कूल जाने दो, छोटी बच्ची है उसको यहाँ बिठा दो, और अब यहाँ घर का काम क्या करवाना है, छोटी लड़की स्कूल तो जाएगी तो कुछ करेगी ना, तो इसलिए इसको यहाँ स्कूल बार बार इसकी मम्मी को भी बोला मैंने, इसके पापा भी रास्ते से ये काम करके आते निकलते थे, उनको भी मैंने बार बार बोला कि भैया इसको स्कूल भेजो स्कूल भेजो, तो कुछ करेगी। हाँ सर, इस सत्र से ये स्कूल अभी कंटिन्यू आ रही है और आगे भी आएगी भविष्य में। हम लोगों ने जिले में सर्वप्रथम 700 से कम लिंगानुपात वाले 70 गाँव का चयन किया है और 26 इस तरह के वार्ड चयन किए हैं। इस वर्ष के प्रथम चरण में हम लोग यही 70 गांव और 26 वार्ड में काम करेंगे और यहां पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग का लक्ष्य है कि हम आम जनता को अवेयर करें लिंगानुपात जो कम होने के नुकसान हैं और उससे आने वाले भविष्य में क्या क्या उनको नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी काम करेंगे, जैसे मैंने बताया कि बालिकाओं को भी हम लोग बालिकाओं के एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हम लोग काम करेंगे।